स्टूडेंट्स वेलकम टू लेक्चर टू ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक हेल्थ का डेफिनेशन पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने कुछ कॉमन डिजीजेस के बारे में पढ़े थे। ठीक है, अब हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से और कॉमन डिजीजेज हैं हमारे। ठीक है, तो अदर इन्फेक्शियस डिजीज में अगर हम देखें तो ये डिजीज के नेम है, यहाँ पे पैथोजन का नाम है, उनका ट्रांसमिशन कैसे होता है। ठीक है, तो ये है हमारे बैक्टीरियल डिजीजेस। इसमें फर्स्ट है हमारा डिसेंट्री। ठीक है, बहुत कॉमन है, बच्चों में होता है। ठीक है, शिजेला, इसका पैथोजन जो है वो है शिजेला, एक बैक्टीरिया है। किसके थ्रू हो सकता है? मोस्टली कॉन्टेक्ट के थ्रू और कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, खराब पानी अगर यूज नहीं कर रहे हैं, गाँव में मोस्टली लोग जो है पॉन्ड में से पानी भर के लाते हैं, उसी पॉन्ड में जो है फीकल मैटर जा रहा होता है, तो उसके थ्रू ये हो जाता है। ठीक है, मोस्टली इसमें लूज मोशन होंगे, पेट में दर्द रहेगा, वो सारी चीज़ें। उसके बाद प्लेग। प्लेग पहले बहुत बार फैल चुका है, जैसे इस समय कोरोना फैला हुआ उसी तरीके से पहले एक बार प्लेग फैला हुआ था, और ये रैट के थ्रू फैलता है। ठीक है, रैट में कीड़ा लगता है, रैट की बॉडी पे कीड़ा रहता है छोटा सा, रैट फ्लू बोलते हैं उसको, और वो रैट अगर किसी घर में आएगा तो उस घर वाले लोगों को ये प्लेग हो जाता है। बहुत डेडली डिजीज होता है, इसमें डेथ भी हो जाती है। ठीक है, और प्लेग की वजह से एक बार कम से कम पांच से लेकर 10 लाख लोग जो है दुनिया में मर गए थे लगातार। इंडिया में बहुत सारा माइग्रेशन हुआ था प्लेग की वजह से। हरियाणा में जो लोग रहते थे वो मूव कर गए थे पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हरियाणा में प्लेग फैल गया था। ठीक है, तो देखते होंगे कि ये वाले लोग ऐसे सरनेम से लोग पहचानते कि भाई ये रावत तो पटेल तो यहाँ पे होते हैं, ये यहाँ कैसे आ गए। वो मोस्टली प्लेग की वजह से माइग्रेट हुए थे। ठीक है, और वो दूसरे स्टेट में जाके रहने लगे और वहां के वो रेसिडेंट बन गए। ठीक है, उसके भी डिप्थीरिया जो है ये कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया से होता है, कंटामिनेटेड फूड और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से हो सकता है, ये भी काफी डेडली डिजीज है। कॉलरा मोस्टली बच्चों में होता है, बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलरे, और ये भी फूड और वाटर कंटेमिनेटेड विद फीकस, मतलब वो पानी जिसमें किसी का फीकस मैटर गया, मोस्टली पॉन्ड रिवर। ठीक है, हमारा फीकल मैटर जो है वो नाले में से जाता है नदी में, उसी नदी का पानी जो है लोग पी लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस बहुत डेंजरस डिजीज है, और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के थ्रू होता है। ठीक है, अब इसमें जो है हमको ध्यान देना है कि ये मोस्टली ड्रॉपलेट से होता है। ठीक है, और लोग कैरियर भी होते हैं, मींस मेरे बॉडी में ट्यूबरक्लोसिस है पर जरूरी नहीं मुझे ट्यूबरक्लोसिस हो, मेरे लंग्स में वो ऐसे ही जो है डोरमेंट पड़ा हुआ है क्योंकि मेरा इम्यूनिटी अच्छा है। अगर मैं किसी के सामने छींक देता हूँ, खांस देता हूँ, और उसका इम्यूनिटी अगर वीक है तो उसको वो बैक्टीरिया जाएगा, उसके अब बॉडी में जो है ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा। ठीक है, 95% लोगों के लंग्स में ये बैक्टीरिया होता है और पूरी जिंदगी ऐसे ही पड़ा रहता है, वो कुछ डिजीज नहीं कर पाता क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उसे रोक के रखता है। ठीक है, तो हम सब के अंदर जो है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, बट वो टीबी हम सबको नहीं है, टीबी किसी एक दो को होगा जिसका इम्यूनिटी डाउन होगा। ठीक है, उसके बाद है टिटनस, जो किसी को किसी लोहे की चीज से चोट लग जाती है, कोई नेल पैर में घुस जाता है तो लोग डॉक्टर बोलता है टिटनस का इंजेक्शन लगवा लो। तो जो बैक्टीरिया होता है नेल के ऊपर ग्रो होता है, ये जंग लगी हुई चीजों के ऊपर ही ग्रो होता है, जो रस्टेड आयरन होता है। ठीक है, इसका नाम है क्लॉस्ट्रिडियम टेटेनाई, और ये मोस्टली अगर ब्लड में चला गया तो हमारे बॉडी का पूरा आयरन खींच लेगा। आप सोचिए, ब्लड में आरबीसी के अंदर आयरन है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन है, ये सारा आयरन खा जाएगा। जब ये सारा अंदर आयरन खींच लेगा तो हमारे हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगी और फाइनली डेथ हो जाएगी। इसका दूसरा नाम होता है लॉक जॉ डिजीज। इसमें जो जॉ है हमारा, नीचे वाला जॉ जो है वो काम करना बंद कर देता है, तो इंसान ना खा पाता है ना पानी पी पाता है। ठीक है, मुंह जो है वो खुल नहीं पाता, तो पाइप के थ्रू खाना और पानी देना पड़ता है, और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो अगर किसी को भी रस्टेड आयरन से चोट लगता है तो हमको टिटनेस का इंजेक्शन ले लेना है, और इसका जो मेमोरी है वो 6 महीने का रहता है। मतलब अगर आपको आज चोट लगी, आपने इंजेक्शन ले लिया, फिर आपको 10 दिन के बाद वापस चोट लग गई तो इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, बट 1 साल के बाद 8 महीने बाद वापस चोट लगती है तो इंजेक्शन लेने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद है हमारा वोपिंग कफ। ठीक है, ये बॉर्डेटेला पर्टोसिस से होता है, ये भी कॉन्टेक्ट और ड्रॉपलेट्स के थ्रू, और इसमें मोस्टली कफिंग रहती है, बहुत कंटिन्यूस कफिंग रहती है, क्रॉनिक डिजीज है। ठीक है, लेप्रोसी, ये हम लोग अभी देखेंगे इसमें क्या होता है, बॉडी पे जो है कुछ
स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, बॉडी का स्किन जो है वो खराब हो जाता है, ये भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है। एंथ्रेक्स जो है वो बैसिलस एंथ्रेसिस बहुत डेंजरस बैक्टीरिया है, इसको बायो वेपन में यूज किया जाता है। ठीक है, एक बार यूएसए के प्रेसिडेंट को एनवेलप में रख के भेज दिया गया था, अगर वो उसको छू लेता तो उसको ये डिजीज हो जाती है और वो उसकी बॉडी जो है सड़ सड़ के पूरी बॉडी सड़ जाएगी और उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग, ये कुछ वायरल डिजीजेज है हमारे। ठीक है, जैसे रेबीज है जो कुत्ते के काटने से होता है, डॉग के काटने से होता है रेबीज वायरस से। डेंगू बहुत कॉमन है आजकल, डेंगू वायरस एडीज मॉस्किटो के बाइटिंग से होता है। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस ये बहुत कॉमन है, मोस्टली हम लोगों को होता रहता है, कफिंग एंड स्नीजिंग होगा। मीजल्स मोस्टली बच्चों को बचपन में होता है, रुबेला वायरस का हम लोग वैक्सीन जो है बचपन में ले लेते हैं ऑलरेडी। जर्मन मीजल्स जो इंडिया में मोस्टली नहीं होता है, मम्स जो है कुछ कुछ बच्चों को होते हैं, एयरबोन ड्रॉपलेट्स, चिकन पॉक्स पहले होता था अभी बहुत कम हो गया है। ठीक है, स्मॉल पॉक्स, वेरियोला वायरस डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, पोलियो, इसके लिए पूरा एक पोलियो ट्रीटमेंट प्लान जो है इंडिया में चल रहा है, जिसको हम लोग पल्स पोलियो बोलते हैं, दो बूंद जिंदगी के उसका स्लोगन है। और अगर पोलियो हो जाता है तो नीचे के लिम्स जो है खराब हो जाते हैं, पैर जो है वो डेवलप नहीं हो पाते और वो इंसान चल नहीं पाता। ठीक है, तो पोलियो जो हम लोगों ने इरेडिकेट कर दिया है मोस्टली इंडिया में, अभी लोगों को पोलियो नहीं होता है। उसी तरीके से चिकनगुनिया होता है लोगों को, डेंगू और चिकनगुनिया मोस्टली साथ साथ चलते हैं। ये चिक वायरस से होता है, ये भी मच्छर के काटने से होता है, एडीज मॉस्किटो को काटने से होगा। मलेरिया जो है वो हमारा एनाफिलिस मॉस्किटो के काटने, मॉस्किटो की भी टाइप्स है, एक ही तरीके की मॉस्किटो नहीं। ठीक है, तो चिकनगुनिया में क्या होगा, जॉइंट में पेन रहेगा, चलने में बहुत दिक्कत होगी, खड़े होने में दिक्कत होगी, बैठने में दिक्कत होगी। ठीक है, जॉइंट जो है घुटने जो है काम करना बंद कर देंगे और पूरे बॉडी में जितने भी जॉइंट्स है सब में बहुत एक्सेसिव पेन हो। एवियन फ्लू ये पहले फैला था, H5N1 बोलते हैं इसको, और स्वाइन फ्लू जो गुजरात में लास्ट ईयर भी बहुत फैला था, दिस इज H1N1। ठीक है, तो ये जो है पिक्स के कॉन्टेक्ट से हो सकता है, क्योंकि स्वाइन फ्लू, स्वाइन जो है पिक को बोलते हैं, तो उससे ये ह्यूमन में डिजीज आया है। ठीक है, तो अब एक एक करके जो हम लोगों ने डिजीज देखे उन्हीं की हम लोग थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। डिसेंट्री जो है वो सिजिला से होता है, ये सिजिला बैक्टीरिया है और मोस्टली ये कंटामिनेटेड वाटर यूज करने से होता है। उसके बाद है प्लेग, जो कि इसको ब्लैक डेथ भी बोलते हैं, जो बॉडी है वो ऐसे सड़ने लगती है आप देख रहे हैं। और ये प्लेग जो है पहले बहुत महामारी एपिडेमिक की तरह दुनिया में फैल गया था एक बार और काफी प्रॉब्लम इसने क्रिएट की थी। ठीक है, जैसा अभी कोरोना ने फैला रखा है, एक टाइम पे प्लेग भी इसी तरीके से लोगों की जान लेता था और बहुत तेज इसका ट्रांसमिशन हुआ था, इसकी वजह से लोग पूरा पूरा स्टेट छोड़ के चले गए थे, पूरे के पूरे स्टेट्स खाली हो गए थे। ठीक है, उसके बाद डिप्थीरिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कंजक्टिवाइटिस होगी, आंखों में प्रॉब्लम आएगी, फेरेंजियल मेम्ब्रेन जो है फेरिंग्स की मेम्ब्रेन खराब हो जाएगी, बुल नेक जो है वो बड़ी हो जाएगी, सीवियर मायोकार्डिटिस, हार्ट प्रॉब्लम्स आएंगे। ऑल वैक्सीन कॉन्ट्राडिक्टेड, मीन्स वैक्सीन इस पर काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं माउथ में जो पीछे का मेम्ब्रेन है वो पूरा स्वेल हो जाएगा और बोलने में और खाने पीने में बहुत ज्यादा तकलीफ इसको होगी। ठीक है, उसके बाद कॉलेरा, इसमें बहुत ज्यादा जो है डायरिया होता है, बहुत ज्यादा लूज मोशन होते हैं और इंसान की बॉडी का पूरा वाटर निकल जाता है, इतनी वीकनेस होती है कि डेथ हो सकती है। ठीक है, तो इसमें मोस्टली जो है बॉडी का फ्लूइड बैलेंस, तो जो नॉर्मल सलाइन आपने देखा होगा हॉस्पिटल में व्हाइट कलर का बोतल टंगा रहता है उसमें से ड्रिप चढ़ता रहता है, वो कंटिन्यूस चढ़ाता रहेगा जिससे बॉडी का जो फ्लूइड बैलेंस है वो बना रहे। ठीक है, उसके बाद टिटनेस, जो हमको इस तरीके से नेल से अगर चोट लगता है, रस्टेड आयरन से चोट लगता है, तो ये हमारी बॉडी में जाएगा, हमारी बॉडी के आयरन को जो है खींच लेता है, जिसकी वजह से ब्लड की कमी हो जाएगी, ब्लड की कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, जिससे हमारे एक एक करके सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ट्यूबरक्लोसिस, इसमें कंटिन्यूस खांसी आती रहती है, लंग्स का इन्फेक्शन है ये। ठीक है, और इसमें जो है फाइनली डेथ भी हो सकती है अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं। ठीक है, बट इसका ट्रीटमेंट से इसके प्रोग्राम को बोलते हैं डॉट्स प्रोग्राम, DOTS। ठीक है, तो डॉट्स प्रोग्राम जो इंडिया में चलता है, किसी भी आप सरकारी हॉस्पिटल में जाके फ्री में उसका इलाज करा सकते हैं, उसका 6 या 7 महीने का कोर्स होता है, वो टेबलेट आपको खाना होगा और फाइनली आप ठीक हो जाएंगे। तो ये डिजीज जो है ठीक हो सकती है कम्प्लीटली, इसका ट्रीटमेंट गवर्नमेंट के पास या फ्री ऑफ कॉस्ट इसका ट्रीटमेंट होता है। हूपिंग कफ, इसमें मोस्टली जो है कंटिन्यूस कफ रहेगा, ये बैक्टीरिया जो है हमारे
जो है विंड पाइप में जाता है, लंग्स में जाता है और कंटिन्यूस कफिंग होती रहती है, उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद लेप्रोसी आप देख सकते हैं इस तरीके से बॉडी पे हो जाता है, ठीक है, जैसे दाने जो है फूल जाते हैं, पूरे बॉडी पे ऐसा हो जाएगा और बहुत तकलीफ होगा, पेन होगा और इसमें से ब्लड निकलना भी स्टार्ट हो जाता है। बैक्टीरिया का नाम हमको याद रखना है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। एंथ्रेक्स जो है काफी डेंजरस डिजीज है, ठीक है, और अगर ये होता है तो पूरा बॉडी सड़ने लगता है, ठीक है। ये मोस्टली बायो वेपन अटैक में यूज किया जाता है, ठीक है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन या बड़े बड़े हीरो हीरोइन को जो है कोई मारना चाहता है तो वो उसको फूड में या पानी में मिला के अगर ये बैक्टीरिया दे देता है तो उसकी डेथ हो जाएगी और बहुत भयानक इसमें डेथ होगी, ठीक है, बहुत कड़क कड़क के वो इंसान मरेगा, आप समझ सकते हैं, ठीक है, अचानक से डेथ नहीं होगी। तो काफी डेंजरस है, इस पर रिसर्च जो है चल रही है, इसका वैक्सीन बनाने पर रिसर्च चल रहा है और बहुत सारे लोग इसे वेपन बनाने में भी यूज कर रहे हैं, बहुत सारे कंट्री चाहते हैं दूसरे कंट्रीज में एंथ्रेक्स जो है वो फैला दिया जाए। उसके बाद है रेबीज, ये बहुत कॉमन डिजीज है जिसको हम बोलते हैं कुत्ते के काटने से, तो जो डॉग है वो इसका कैरियर होता है, कुछ डॉग्स में ही होगा, सारे डॉग्स में नहीं होता है रेबीज, उसको हम लोग बोलते हैं कि पागल कुत्ता है, ठीक है, जिसपे रेबीज होता है वो डॉग का बिहेवियर भी चेंज हो जाता है, डॉग बैठता नहीं है, कंटिन्यूस इधर उधर घूमता रहता है, हाँफता रहता है, उसकी पूंछ जो है वो दबी रहेगी उसके पैरों के नीचे, और अगर वो आपको काट लेता है तो ये जो है रेबीज जो है वो इन्फेक्ट करेगा हमारे सिस्टम को और फाइनली हमारे फूड पाइप को ब्लॉक कर देता है, जिस इंसान को जो है हाइड्रोफोबिया हो जाएगा, मीन उसको पानी से डर लगेगा, क्योंकि वो पानी पीता है तो उसको बहुत दर्द होता है गले में, तो पानी अगर उसे दिखाते हैं तो भी वो बोलता है दूर हटाओ, ठीक है, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, पानी से उसको डर लगने लगता है, जब भी वो पानी पीता है तो उसके गले में बहुत ज्यादा दर्द होता है, ठीक है। इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अगर किसी को काटा और उसने कोई इंजेक्शन नहीं लिए रेबीज के, वैक्सीन के इंजेक्शन नहीं लिए, तो उसको रेबीज अगर हो गया तो फिर उसके बाद उसे नहीं बचाया जा सकता। तो अगर आपको डॉग ने काटा है तो आप तुरंत इसका 6 इंजेक्शन लगता है, पहले 14 इंजेक्शन 20 इंजेक्शन लगता था, अभी 6 इंजेक्शन लगता है, वो इंजेक्शन आप लगा लेंगे तो आपको रेबीज नहीं होगा। और अगर आपने डिले किया कि मुझे कुछ नहीं होगा, रेबीज के सिम्टम्स आना स्टार्ट हो गए, उसके बाद आपको कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। तो अगर किसी को भी डॉग बाइट होता है, डॉग बाइट कर लेता है, तो आपको तुरंत रेबीज के वैक्सीन का इंजेक्शन जो है वो लेना है, 6 इंजेक्शन का कोर्स होता है, वो कंप्लीट कोर्स आपको करना है, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लुएंजा वायरस बहुत कॉमन है, मोस्टली जो फ्लू होता है हमको उसी से फ्लू होता है। ये बैक्टीरिया वायरस का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर हम देख रहे हैं, आरएनए इसका जो है जेनेटिक मटेरियल है, ऊपर एक लिपिड का एनवेलप है, ये इसका कैप्सिड है, ठीक है। लिपिड का एनवेलप है तो सबसे अच्छी बात, अगर हम लोग साबुन से हाथ धोएंगे तो ये लिपिड जो है डिसमेंटल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग साबुन से हाथ धोएं तो मोस्टली बहुत सारे वायरसेस को हम लोग किल कर सकते हैं, तो हम इनसे बच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मीजल्स, ये पहले बहुत हुआ करता था, बच्चों में मोस्टली होता है, इसमें जो वायरस है वो रुबेला वायरस है, ठीक है। जर्मन मीजल्स, इसमें भी रुबेला वायरस से थोड़ा अलग है, जर्मनी में स्टार्ट हुआ था, जर्मनी में बहुत ज्यादा हुआ था इसलिए जर्मन मीजल्स बोलते हैं। मम्स हम देखते हैं इस तरीके से जो है टॉन्सिल जो है बहुत फैल जाते हैं यहाँ पे, जो नीचे गर्दन के नीचे जो है बहुत स्वेलिंग आ जाती है, और ये भी ट्रीटेबल है, कुछ टाइम के बाद अपने आप ही ठीक हो जाता है, ठीक है। चिकन पॉक्स बच्चों को होता है जो कि वेरिसेला जोस्टर वायरस है। देखिए हमको यहाँ पर मोस्टली बीमारी का नाम और उसका वायरस का नाम या बैक्टीरिया का नाम हमको याद रखना है, बाकी कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस से होता है। पोलियो में हम देख सकते हैं पैर जो है, लिम्स जो है वो डेवलप नहीं हो पाते, इसके लिए पल्स पोलियो प्रोग्राम चलता है इंडिया में, और इंडिया में मोस्टली पोलियो हम लोगों ने इरेडिकेट कर दिया है, रिमूव कर दिया है, अब नए बच्चों में पोलियो नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद डेंगू, ठीक है, बहुत कॉमन है इस समय, ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं, ठीक है, मोस्टली जो है मच्छर के काटने से डेंगू फैलता है, और इसमें मोस्टली जो है ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, बॉडी में फ्लूइड बैलेंस बिगड़ जाता है, और नाक में से आंख में से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये डेडली भी हो सकता है क्योंकि बॉडी के अंदर क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है और ब्रेन हेमरेज हो सकता है, इसमें बहुत फीवर आएगा, बॉडी एक करेगी, और ये भी 7-8 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, बस बॉडी बैलेंस
बॉडी फ्लूइड बैलेंस डॉक्टर बनाएंगे तो आपको 7 दिन के लिए एडमिट करेगा और 7 दिन में आप अपने आप एक्टिव इम्यूनिटी से ठीक हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद चिकनगुनिया, ये भी डेंगू के साथ साथ ही फैलता है, ये भी मच्छर के काटने से होता है। जो वायरस है वो चिक वायरस है, चिकनगुनिया वायरस है इसको। एवियन फ्लू मोस्टली जो है ये H5N1 वायरस से होता है, ये इसे मोस्टली छींकने के एक दूसरे कॉन्टेक्ट से, ह्यूमन कॉन्टेक्ट से ये फैल जाता है। तो मोस्टली हमको अगर किसी को है उसे माउथ कवर रखना है, अपना मास्क लगा के रखना है, ठीक है। अभी मास्क लगाना बहुत कॉमन हो गया है, तो कोई इसी भी तरीके का वायरल इन्फेक्शन अगर किसी को होता है तो वो ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैल सकता है, अगर उसने छींका खांसा तो उससे ये हो सकता है, ठीक है। उसी तरीके से H1N1, इसमें भी हमको मास्क लगा के रखना है, ठीक है। जिसको हुआ है वो भी मास्क लगाए, जिसको नहीं हुआ है वो भी लगाएगा तो चांसेस फैलने के बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा जो है H1N1 वायरस है। H1N1 उसकी दो प्रोटीन होती है, ठीक है, उसके थ्रू। तो उसका फर्स्ट प्रोटीन और N का फर्स्ट प्रोटीन जो है उसके बीच पे हम लोग नाम रखते हैं H1N1, ठीक है। तो ये यहाँ पर H1 है और ये यहाँ पर N1 है, ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं इसमें हम लोग, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पब्लिक हाइजीन, वेस्ट को हमको प्रॉपरली डिस्पोज करना है, एक्सक्रीटरी मटेरियल जो हमारा फीकल मैटर है उसे प्रॉपरली डिस्पोज करना है, ठीक है। क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड वाटर, वाटर हमको साफ पीना है, ठीक है, टैंक्स अपने साफ करते रहने घर के। उसके बाद स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हमको यूज करने हैं हाइजीन के, ठीक है। कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, अगर किसी को लगता है कि उसे कोई बीमारी है तो उससे दूर रहे। वेक्टर्स मॉस्किटोज को अगर हम लोग खत्म कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, तो हम लोग इस डिजीज को फैलने से रोक सकते हैं, सारी डिजीज को फैलने से रोक सकते हैं, ठीक है। अब एलिमिनेशन ऑफ वेक्टर मॉस्किटो को अगर हमें एलिमिनेट करना है तो क्या करेंगे हम लोग, पानी जमा ना होने दे, स्टेग्नेशन, कहीं पानी जमा है हमारे घर के आसपास वो ना होने दे, कूलर में पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो उसको साफ रखें। कहीं भी बॉडी हमारे घर के आसपास या घर के अंदर पानी जमा नहीं रखें, स्टेग्नेंट नहीं रखें। मॉस्किटो नेट्स की जरूरत पड़ती है मोस्टली जब बारिश वाला सीजन आता है, ठीक है। और बहुत सारी जगह पे पानी में ये गैम्बुसिया जो है मछली को छोड़ देते हैं जो मच्छर के लार्वा को खा जाती है, तो मच्छर के लार्वा खत्म हो जाएंगे तो नए मच्छर पैदा नहीं होंगे। तो बहुत सारे जगह ऐसा यूज होता है जहाँ पर हम लोग ये मछलियों को लाके टैंक में ये पॉन्ड्स में छोड़ देते हैं तो उसमें मच्छर पैदा नहीं हो पाते, ठीक है। उसके बाद हम लोग इंसेक्टिसाइड ये सब छिड़क सकते हैं, जो हमारा आजकल हिट आता है मॉस्किटो किल करने वाला, वो हम लोग छिड़क सकते हैं, ठीक है। वायर मैश लगाई विंडो पे, दरवाजे पे, जिस मच्छर घर में ना आए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग मलेरिया, फ्लेरेसिस, डेंगू फीवर, चिकनगुनिया से, ये सब जो मच्छर से मक्खी से फैलते हैं उनसे बच सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन डिजीजेस हमारे हो गए जिनसे हम लोग, उनके हम लोगों को नाम याद रखने हैं और उनका पॉजिटिव एजेंट कौन सा है, बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया का नाम क्या है, वायरस है तो वायरस का नाम क्या है, वो हमको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर लेक्चर, यहाँ पे लेक्चर 2 खत्म हो गया, लेक्चर 1 लिखा हुआ है, दिस इज लेक्चर 2, लेक्चर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।